इस वीडियो में हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं, जिस क्वेश्चन का नाम है मूव ऑल नेगेटिव एलिमेंट्स टू एंड। मतलब क्या, ये आपके पास एक एरे दिया होगा, उसमें पॉजिटिव एलिमेंट होगा और नेगेटिव एलिमेंट्स, तो आपको क्या करना है, जो नेगेटिव एलिमेंट्स है उसको लास्ट में सिर्फ ले आकर रख देना है। ठीक है, तो चलिए हम लोग क्वेश्चन पढ़ते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। देखो, मूव ऑल नेगेटिव एलिमेंट्स टू एंड, आपके पास एक एरे दिया है जिसका नाम ए आर आर है, जिसका साइज एन है, तो हमें क्या करना है कि जितने इसमें नेगेटिव एलिमेंट्स है, नेगेटिव, उनको क्या करना है, लास्ट में पकड़ के लाके रख देना है। इसमें पॉजिटिव एलिमेंट भी है, नेगेटिव एलिमेंट भी है, हमको क्या करना है कि जो पॉजिटिव एलिमेंट है उसको आगे ला देना है, जो नेगेटिव एलिमेंट है उसको पीछे ला देना है। ठीक है, तो चलिए मैं आपको पहले क्वेश्चन समझाता हूँ अच्छा से, फिर मैं इसका अप्रोच समझाऊंगा और फिर हम लोग कोड देखेंगे। ठीक है, तो देखो सबसे पहले क्वेश्चन क्या कर रहा है, मूव ऑल निगेटिव एलिमेंट्स टू एंड। हमारे पास एक एरे दिया है जिसका साइज है 8 और एरे का एलिमेंट्स हमारे पास यहाँ दिया गया है, हमें क्या करना है, जो निगेटिव एलिमेंट्स है उसको लास्ट मिलाकर रख देना है। ठीक है, तो आई थिंक आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। कैसे करेंगे सर? देखो काफी आसान तरीका है, काफी आसान तरीका है। क्या करेंगे, मैं आपको दो अप्रोच बताऊंगा। पहली बार में आपको क्या करना है, जैसे मैं पहले यहां लिखता हूं, आपको दो टेम्पररी एरे बना लेना है, एक बनाना है जो पॉजिटिव नंबर को कंटेन करे, या फिर दो वेक्टर बना लीजिए। पूछे क्यों, क्योंकि यार आप एरे बनाइएगा तो आपको पता नहीं है कि कितने इसमें पॉजिटिव एलिमेंट है और कितने निगेटिव एलिमेंट है। ठीक है, तो उसका फिक्स साइज नहीं है, तो हम क्या करेंगे, हम वेक्टर बना लेंगे, दो वेक्टर बना लेंगे, क्योंकि वेक्टर एक ऐसा डायनेमिक साइज एरे है जिसमें हमें साइज डिक्लेयर करने की जरूरत नहीं होती है। जब भी एलिमेंट को उसमें हम पुश करते हैं तो अपने एलिमेंट के हिसाब से, एलिमेंट कितना आ रहा है उसके हिसाब से वो अपना साइज एडजस्ट करते रहता है। तो मैं बना लूंगा एक वेक्टर पॉजिटिव के नेम से, पॉजिटिव, और एक वेक्टर बना लूंगा नेगेटिव के नेम से, जिसका डेटा टाइप क्या होगा, इंट नेगेटिव। अब मैं क्या करूंगा, इसको एक लूप लगाऊंगा, एक लूप लगाऊंगा। ठीक है, एक लूप लगाऊंगा यहाँ से लेकर 0 से लेकर n माइनस 1 तक एक लूप लगा दूंगा इस एरे एलिमेंट पर, और जितना पॉजिटिव नंबर होगा वो सब मैं पॉजिटिव में इसमें डाल दूंगा। तो जो पॉजिटिव नंबर क्या हो जाएगा, सबसे पहले हो जाएगा 1, फिर पॉजिटिव नंबर 3 है तो यहाँ 3, फिर 2 है, फिर 11 है, फिर 6 है, ये हमारा पॉजिटिव वेक्टर हो गया। ठीक है, ये हमारा क्या हो गया, नेगेटिव वेक्टर। इसमें मैं क्या करूँगा कि जितना नेगेटिव एलिमेंट है, जैसे मैं ट्रैवर्स करते जाऊँगा और जहाँ मुझे नेगेटिव एलिमेंट मिलेगा मैं पकड़ के उसको नेगेटिव में रख दूंगा। तो माइनस 1, फिर माइनस 7, फिर माइनस 5। अब देखो पॉजिटिव एलिमेंट हमारा इतना मिल गया, 5 एलिमेंट, नेगेटिव एलिमेंट हमारा 3 एलिमेंट मिल गया। अब मैं क्या करूँगा, एक और वेक्टर लूंगा, एक और वेक्टर जिसका साइज कितना होगा, इस समय 8 होगा, n होगा। एक और मैं वेक्टर बनाऊंगा जिसका साइज कितना होगा, n, इसका साइज कितना होगा, n, वेक्टर इसका साइज n हो जाएगा, n इक्वल टू 8। अब मैं क्या करूंगा, पहले ट्रैवर्स करूंगा पॉजिटिव वेक्टर को और सारा का सारा एलिमेंट पल ला के इसमें रख दूंगा, इस वेक्टर में, तो 1, 3, 2, 11, 6। जब मैंने इसको रख दिया, अब मैं क्या करूंगा, इसके पीछे इसको ले आकर रख दूंगा निगेटिव को, तो 6 के बाद -1, -7 और -5। तो क्या हो जाएगा, हमने दो वेक्टर यूज किया है, इसके अलावा एक और वेक्टर यूज किया है रिजल्ट को स्टोर करने के लिए। तो मैंने क्या किया, पहला वेक्टर बना लिया जिसमें सिर्फ पॉजिटिव एलिमेंट रख दिया, दूसरा वेक्टर बना लिया जिसमें सिर्फ नेगेटिव एलिमेंट रख दिया, और बाद में क्या किया है, एक और वेक्टर बनाया है साइज एन का, और उसमें पहले पॉजिटिव एलिमेंट को रख दिया है और फिर नेगेटिव एलिमेंट को रख दिया है, तो हमारा आउटपुट आ गया। लेकिन ये तो काफी लेंदी प्रोसेस है सर, इसका तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी थोड़ा सा ज्यादा हो जा रहा है। स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी कितना होगा, मैं एक वेक्टर, दो वेक्टर, तीन वेक्टर यूज कर रहा हूं, तो कितना हो जाएगा, 3 big O(n), 3 times big O(n)। ठीक है, मतलब हमें 3 बार ट्रावर्स करना पड़ेगा। अगर एलिमेंट हमारे पास 50 है तो एक बार मैंने ट्रावर्स किया, फिर दूसरा बार किया निगेटिव के लिए, पहली बार पॉजिटिव के लिए, और तीसरा बार निगेटिव पॉजिटिव को एक में रखने के लिए। ठीक है, तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की हम बात करें तो हो जाएगा 3 into O(n), जो ओवरऑल हो जाएगा, कंस्टेंट हटा दूंगा तो क्या हो जाएगा, O(n)। ठीक है, और जो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी होगा वो कितना होगा, ये भी इतना ही होगा, ये हमारा टाइम कॉम्प्लेक्सिटी भी इतना ही हो जाएगा और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी भी इतना ही होगा। क्यों, क्योंकि यार हमने वेक्टर, तीन वेक्टर यूज किया, तो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी हमारा हो गया O(n), और टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगा,
कि एक बार मैं एरे को ट्रावर्स कर रहा हूँ पॉजिटिव के लिए, दूसरा बार मैं ट्रावर्स करूंगा निगेटिव के लिए, और तीसरा बार मैं ट्रावर्स करूंगा सबको निगेटिव और पॉजिटिव को एक साथ ऐड करने के लिए। इतना समझ में आ गया। तो ये हमारा हो गया क्या, नाइव सॉल्यूशन। ये क्या हो गया, नाइव सॉल्यूशन। इसमें भी हम सेम टू सेम वही प्रोसेस फॉलो कर रहे हैं जो अभी हम इफिशियंट में भी करने वाले हैं, लेकिन उसमें क्या होगा, इसमें हम तीन चार बार अलग अलग स्पेस ले रहे हैं, जैसे एक वेक्टर लिए हैं, फिर दूसरा वेक्टर लिए, फिर तीसरा वेक्टर लिए। तो जो अभी हम सॉल्यूशन देखने वाले हैं उसमें क्या करेंगे, सिर्फ एक बार वेक्टर लेंगे, ठीक है। तो उसमें क्या करेंगे, मैं आपको अप्रोच समझाता हूँ। मैं क्या करूँगा, जितना इसका साइज है 1 2 3 4 5 6 7 8, जो इसका साइज 8 है, उतना साइज का एक टेम्पररी एरे बना लूंगा, टेम्प एन साइज का बना लिया, टेम्प एन साइज का बना लिया, ठीक है। और मैं क्या करूँगा, इसको ट्रावर्स करना शुरू करूँगा, एरे जो एलिमेंट है हर एक एलिमेंट को ट्रावर्स करना शुरू करूँगा। एक फोर लूप लगाऊंगा जो हमारा एन माइनस वन तक चलेगा, फोर लूप लगा दिया, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा, जब मुझे पॉजिटिव एलिमेंट मिलेगा मैं इस एरे के इंडेक्स 0 1 2 3 4 शुरू से डालता जाऊँगा। जैसे मुझे एलिमेंट वन मिला पॉजिटिव तो मैंने यहाँ डाल दिया, एलिमेंट मुझे थ्री मिला तो मैंने यहाँ डाल दिया, एलिमेंट मुझे टू मिला तो मैं यहाँ डाल दिया, एलिमेंट मुझे 11 मिला तो मैं यहाँ डाल दिया, एलिमेंट मुझे 6 मिला तो मैं यहाँ डाल दिया। और फिर मैं दूसरी बार ट्रावर्स करूँगा और जहाँ जहाँ निगेटिव मिलेगा उसको मैं यहाँ डाल दूंगा, तो फिर निगेटिव मैंने यहाँ डाल दिया माइनस वन, फिर माइनस सेवन मैं यहाँ डाल दूंगा, फिर माइनस फाइव मैं यहाँ डाल दूंगा, और इसका इंडेक्स वैल्यू ए है। तो इसमें क्या किया, इसमें हमने एक टेम्पररी एरे बना लिया है उसी साइज का जितना इसमें एलिमेंट है, और मैं एक फोर लूप लगाऊंगा और ट्रावर्स करूंगा, जहां जहां मुझे पॉजिटिव मिलता जाएगा मैं एरे के शुरू इंडेक्स से उसको डालता जाऊंगा। जब मुझे एलिमेंट मिलेगा मैं एरे के शुरू इंडेक्स से उसको डालता जाऊंगा और इंडेक्स को प्लस प्लस करते जाऊंगा, और जब मुझे निगेटिव मिलेगा फिर उसके लास्ट में मैं डाल दूंगा, और लास्ट में मैं क्या करूंगा, जो टेम्पररी एरे है इसको मैं कॉपी कर दूंगा ओरिजिनल एरे में, जो हमारा एरे है ए आर आर, ठीक है। तो अभी आई थिंक आपको लॉजिक समझ में आ गया होगा। अभी मैं कोडिंग पार्ट की तरफ चलता हूँ और आपको समझाता हूँ। देखो हमने क्या किया, एक टेम्पररी एरे बना लिया है एन साइज का, और एक अलग से वेरिएबल मैंने रख लिया है। एक बार फोर लूप को चलाया है जिसमें मैंने क्या किया है, जितने पॉजिटिव नंबर है पॉजिटिव नंबर उसको मैं टेम्पररी के शुरू में स्टोर कर लिया हूँ, जितना निगेटिव नंबर है उसको मैंने क्या किया, जो निगेटिव नंबर है उसके बाद से स्टोर कर लिया हूँ पॉजिटिव नंबर के बाद से, और फिर मैं लास्ट में क्या किया हूँ, एरे में टेम्पररी एलिमेंट को कॉपी कर लिया हूँ। तो ये हमारा हो गया। इसकी टाइम कम्प्लेक्सिटी की मैं बात करूँ तो क्या हो जाएगा, टाइम कम्प्लेक्सिटी एक बार फोर लूप चल रहा है एन तक, फिर दूसरी बार, फिर तीसरी बार, तो 3 O(n) तीन बार चल रहा है। जब मैं कंस्टेंट हटा देता हूँ तो क्या हो जाता है, सिर्फ O(n) हो जाएगा, ठीक है। स्पेस कम्प्लेक्सिटी क्या होगा, स्पेस हमने एक्स्ट्रा स्पेस क्या यूज किया है, एक टेम्पररी एरे बनाया है एन साइज का, तो इसका स्पेस भी हो जाएगा O(n), ठीक है। सेम टू सेम वही कोड यहाँ जावा में लिखा है, तो आप जावा में इसको रेफर कर सकते हो और वीडियो पॉज करके आप लिख सकते हो। तो अभी मैं चलूंगा आपको कोड रन करके दिखाऊंगा ताकि आपको चीज़ें समझ में आएँ, और अगर ये आपको समझ में नहीं आ रहा है मतलब आप वीडियो ध्यान से नहीं देख रहे हैं, आप वीडियो को पॉज कीजिए, फिर इसको लिखिए पहले कॉपी पर और अपने से ड्राइव रन कर करके देखिए, तब समझ में आएगा। और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए जो कोडिंग पढ़ने में इंटरेस्टेड है, ताकि उनका भी हेल्प होता रहे। तो ये हमारे पास क्वेश्चन है, जैसे मैंने आपको बताया है ये हमारा क्वेश्चन है, और सेम टू सेम वही कोड जो वहाँ लिखा गया है यहाँ कोडिंग लिखा गया है, ठीक है। तो आप इस कोड को देख सकते हैं, मैं अभी आपको रन करके दिखाऊंगा कंपाइल रन। तब तक यार आप चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि काफ़ी फर्ट लग रहे हैं और हम लोग सारा का सारा डीएसएस शीट जो है सबको हम सब करने वाले हैं, ठीक है। तो ये रहा आपको आउटपुट में दिखा दिया, और मैं क्या करूँगा इसको सबमिट करके भी देख लूँगा ताकि आपको चीज़ें और समझ में आए, और आप यहाँ से कोड देख सकते हो। और आप टेलीग्राम पर जाकर हमसे कनेक्ट हो जाओ, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, ठीक है, आप वहाँ कनेक्ट हो सकते हो। इंस्टाग्राम पर मुझे फॉलो कर लो, कोई भी डाउट होगा तो हम लोग वहाँ भी रिजॉल्व करेंगे, और चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लो। हमें मिलते हैं अगले वीडियो में ऐसे ही धमाकेदार वीडियो के साथ। Till then, keep supporting and keep exploring.